बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो यहाँ से जो आपका मेजर पोर्शन जो है रिप्रोडक्शन का स्टार्ट होने जा रहा है, यहाँ एनिमल्स के अंदर आपने रिप्रोडक्शन करनी पढ़नी है, यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पोर्शन और इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हमारे लिए ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो है समझ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, स्किल्स बन जाते हैं, शॉर्टकट्स बन जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो इसको गौर से देखिएगा। यानी सबसे पहले एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात बता रहा है कि मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की सबसे जो प्रिमिटिव फॉर्म है वो कौन सी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉरी एसेक्सुअल, हाँ एसेक्सुअल, ठीक है, ये आपने याद रखा है। इट इज थॉट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रिमिटिव फॉर्म देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एवोल्यूशन के अंदर हम देखें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी एंशिएंट जो थी वो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बाद में एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन के थ्रू फिर आई आपके पास सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा है कि एवोल्यूशन किस तरह हुई इसकी, ये थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये किस तरह यहाँ से यहाँ तक का सफर किस तरह हुआ। एट लेटर स्टेज कह रहा है कि बाद वाले स्टेज में मैकेनिज्म हैव इवॉल्व्ड लीडिंग टू यूनियन ऑफ गैमेट्स। लेटर स्टेज बाद वाली स्टेज में, अब ये वाली स्टेज जो इसकी बात कर रहा है कि यूनियन ऑफ गैमेट्स, नहीं बेटा जी, जो यूनियन ऑफ गैमेट्स है ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटेन वन टाइप ऑफ गैमेट इज नोन एज मेल एंड अदर टाइप ऑफ गैमेट इज नोन एज फीमेल गैमेट्स। मेल हमेशा जो है वो डोनेट करेगा स्पर्म, और जो फीमेल की तरफ से आएगा वो क्या होगा, एग। जैसे क्या आएगा स्पर्म, अब इन दोनों चीज़ों की जो यूनियन है, इन दोनों चीज़ों का जो मिलना है वो क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ गैमेट्स, इसी चीज़ को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म हैव इवॉल्व्ड लीडिंग द यूनियन ऑफ गैमेट्स मियोसिस एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए बेटा जी, जब यहाँ दो तरह के गैमेट्स मिलेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है रिकॉम्बिनेशन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएंगे, हमारे पास चेंजेस आएंगी। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये सब कुछ नहीं आता हमारे पास, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, वहाँ यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं है, और इसीलिए वहाँ हमारे पास ये जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंजेस नहीं आती। लेकिन यहाँ हमारे पास जेनेटिक मेकअप के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही है। ये एक फैक्टर यहाँ है, प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ, कॉम्प्लेक्स लाइफ को डिवेल्प करवाने में ये यूनियन ऑफ गैमेट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन किससे आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है। आगे जो है चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल, उसमें हम डिटेल से माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे। तो मियोसिस के अंदर फिर हम देखेंगे कि जेनेटिक में जो स्ट्रक्चर मेकअप है वो किस तरह चेंज हुआ है, क्रॉसिंग ओवर किस तरह हो रही है, शफलिंग ऑफ एलील्स किस तरह होती है, किस तरह ये चेंजेस आ जाती है यूनियन ऑफ गैमेट्स से। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स लाइफ आपके पास जो लाइफ है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब हमारे पास जो है गैमेट्स जो हैं दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव टाइम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट एक तरह के थे, वो एक तरह के गैमेट कोई चेंजेस नहीं लाते थे। अब यहाँ गैमेट्स दो तरह के हैं ना, फॉर्म कह रहा है कि आइडेंटिकल गैमेट्स, पहले गैमेट्स एक तरह के होते थे, इसे हम आइसोगैमेट्स कहते थे, एक तरह आइसोमी सेम। तो
फ्राम कह रहा है कि आइडेंटिकल गमीट टू कॉम्प्लेक्स गमीट, तो कॉम्प्लेक्स गमीट्स तक का ये जो सफ़र है ये एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सर कॉम्प्लेक्स गमीट में हमारे पास जो है हेट्रोगमीट्स आ जाते हैं, हेट्रो मीन डिफरेंट, गमीट्स मीन डिफरेंट। तो अब हेट्रोगमीट्स के अंदर जो है एक आपके पास स्पर्म और दूसरे आपके पास एग, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, स्पर्म और है और एग दोनों जो है और ये हेट्रो, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है अगली बात आपको बता रहा है कि हेट्रोगमीट्स लीडिंग टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, हेट्रोगमीट्स जो है लीडिंग टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होता है कि यानी अपने अपने जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है किसी सेल के टिश्यू की स्ट्रक्चर की उसमें बिल्कुल कंप्लीट हो जाना, डिफरेंशिएट हो जाना, एक कॉम्पैक्ट शेप, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिल जाना। जरा कि लीडिंग टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस मेल एंड फीमेल, जब हेट्रोगमीट्स आए तो एक मेल गमीट बना, दूसरा फीमेल गमीट बना। तो ये थोड़ी सी एवोल्यूशन हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके बाद हमारे पास है बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि मेल गमीट भी इनके ऊपर ही हो और फीमेल गमीट भी इनके ऊपर ही हो, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके मेल गमीट भी इनके ऊपर ही और फीमेल गमीट भी इनके ऊपर ही। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, बोथ सेक्सेस, ठीक है, जिसके ऊपर दोनों सेक्सेस हो। अच्छा, यहाँ उसने टर्म लिखी है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्या चीज़ है? अच्छा जी, देखिए कि अगर ये वाला जो मेल है इस वाले फीमेल्स को फर्टिलाइज कर दे, ये वाला मेल इस वाले फीमेल को फर्टिलाइज कर दे, तो ये जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन, मैं इसको कहूँगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब अगर ये वाला मेल इस वाली फीमेल को फर्टिलाइज कर दे तो मैं इसको कहूँगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है उसमें हमारे पास जेनेटिक मेकअप ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस आती हैं, लेकिन जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसमें हमारे पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं आती, क्योंकि ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, जो जेनेटिक मेकअप इसका होगा वही आगे चलेगा, इसमें बहुत कम चेंजेस आएंगी। लेकिन अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये और तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये और तरह का ऑर्गेनिज्म है, इसके जेनेटिक मेकअप और है, उसका जेनेटिक मेकअप और है, जब ये इसको फर्टिलाइज करवाएगा तो इनके जो आगे ऑफस्प्रिंग आएंगे उनके पास दोनों के मिक्स ट्रेट होंगे, दोनों के मिक्स फीचर्स होंगे, यानी हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो यही वो बात कर रहा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन में, टू इंश्योर द मेंटेनिंग द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं कि यानी जेनेटिक मेकअप के अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी आना आपके पास। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के से आपके पास जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन ये ज़्यादा आते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि पौधों के अंदर बाईसेक्सुअलिटी एक जनरली रिट्रेंड, पौधों के अंदर अभी भी जो है वो बाईसेक्सुअली कह रहा है, कुछ प्लांट्स के अंदर रिट्रेंड है लेकिन एनिमल्स के अंदर ये बहुत रेयर है। जी, उसके बाद है यूनिसेक्सुअल, क्या चीज़ है यूनिसेक्सुअल? जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही स्पेसिफिक गमीट्स होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। एक ऑर्गेनिज्म है, ये मेल है, इसके पास सिर्फ स्पर्म होगा। अब ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये फीमेल है, इसके पास सिर्फ एक ही जो है वो सेक्स ऑर्गन होगा, ये एग होगा। तो इस चीज़ को हम यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं, ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन सेक्स, ठीक है, नाउन एज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह की जो ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि ये कह रहा है कि मेल प्रोड्यूस द स्पर्म्स, तो मेल का क्या काम है, उसने स्पर्म प्रोड्यूस करना है, फीमेल प्रोड्यूस द एग, और फीमेल का क्या काम है, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, एग प्रोड्यूस करना है। तो आज भी नेचर के अंदर जो है यूनिसेक्सुअलिटी बहुत ही कॉमन है, कॉमनली यानी है ही यूनिसेक्सुअलिटी। और ये जो बाईसेक्सुअलिटी है ये प्रिंटिव फॉर्म है, ये आपको पौधे के अंदर मिलती है, ये समवट कह लें कि आजकल जो जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, आने वाले लेक्चर में ये भी हम देखेंगे ये क्या चक्कर है। और उसके अलावा कह रहे हैं कि ये जो यूनिसेक्सुअलिटी है मोस्ट एडवांस मोड
क्योंकि अभी जो इरा चल रहा है इस इरा के अंदर ये मोस्ट एडवांस मोड है यूनिसेक्सुअलिटी। और ये जो यूनिसेक्सुअलिटी है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये परफेक्शन ऑफ द लाइफ स्टाइल इसको कहा जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास एक ही सेक्स होता है वो नेचर के अंदर थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं। तो एक चीज़ रहेगी आगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, उसको भी हम देखते हैं। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखना है। बाइसेक्सुअलिटी क्या है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, हेट्रोगमीट्स कौन से होते हैं, आइडेंटिकल गमीट्स कौन से होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं आपने।